दोस्तों इमेजिन करके देखो, एक ऐसा प्लेन जिसको पैक करके आप अपनी गाड़ी की डिक्की में रख सकते हो और फिर उस प्लेन को आप बाहर निकाल सकते हो, उसके अंदर हवा भर सकते हो और वो प्लेन हो गया उड़ने के लिए तैयार। और यही नहीं, 75 लीटर तेल डालने पे वो वाला प्लेन उड़ेगा 600 किलोमीटर तक और उसी के साथ साथ आपकी एवरेज निकल आती है केवल 8 रुपए पर किलोमीटर और उस प्लेन की स्पीड रहने वाली है 100 किलोमीटर पर आवर की। सुनने में ये वाला आइडिया एकदम फ्यूचरिस्टिक लग रहा है ना, अगर मैं आपको बोलूंगा ये वाला आइडिया 75 साल पहले डेवलप हो चुका है और इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग भी हो चुकी है तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप जानना चाहते हो इस चीज के बारे में और भी डिटेल में तो ये पूरी वीडियो देखो। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे सुपर इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो किसका वेट कर रहे हो, अभी के अभी करो, फिर हम शुरू करते हैं सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों जो इन्फ्लेटेबल प्लेन का आइडिया स्टार्ट होता है वो होता है 1931 में। तो उस समय पे एक अमेरिकन इन्वेंटर टायलर मैकडैनियल एक प्लेन बनाते हैं जिसके अंदर वो हवा भरते हैं और वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये वाला प्लेन क्रैश प्रूफ है, अगर इसका क्रैश भी हो जाएगा तो भी किसी को चोट नहीं लगेगी। मगर फंड की कमी की वजह से उनको वो प्लान वहीं पर ड्रॉप करना पड़ता है। फिर उसके बाद में समय आता है 1935 का, फिर ये वाला जो इन्फ्लेटेबल प्लेन का कॉन्सेप्ट था ये डेवलप करता है सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन इसको कार्गो प्लेन की तरह इस्तेमाल करना चाहता था कि हम इस तरीके के इन्फ्लेटेबल प्लेन बहुत सारे बांध देंगे जगह जगह पे एक बड़े प्लेन से, और जैसे जैसे कोई देश आता जाएगा जहां पे उन्हें कार्गो छोड़ने होंगे तो उन प्लेनों की रस्सियां काट देंगे और वो प्लेन अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे, जिससे कि फ्यूल की बहुत ज्यादा सेविंग होगी। और उसके बाद में 1955 में ब्रिटिशर्स भी इस चीज में कूद जाते हैं और वो भी इसी तरीके का एक प्लेन बनाते हैं विंग स्टाइल में, और ये वाला प्लेन वो कमर्शियली तो कभी प्रोड्यूस नहीं करते बट उसको हाँ एयर शोज में दिखाने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों 1955 के इसी दौर में बहुत सारी नई नई कंपनीज थी जो रबर प्लेन में इनोवेशन ला रही थी, मगर रबर के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि रबर प्लेन्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा स्लो थे और स्लो होने के साथ साथ उनके कंट्रोल्स जो थे वो भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं बन पा रहे थे। तो 1956 के दौरान गुडियर एक नए टाइप का मटेरियल डेवलप करता है जिसको वो बोलता है एयर मैट। अब एयर मैट मटेरियल के अंदर इन्होंने क्या खास करा, इन्होंने रबड़ को दो फैब्रिक के बीचों बीच लगा दिया और नियोप्रीन का स्प्रे कर दिया उसके टॉप पे। अब इससे मटेरियल बहुत ज्यादा स्टर्डी हो गया और इससे प्लेनों की स्पीड भी बढ़ गई और उसी के साथ साथ उनके कंट्रोल्स भी काफी अच्छे हो गए। तो इसी के साथ साथ 1956 में गुडियर इतना श्योर हो गया कि भविष्य में इन्फ्लेटेबल प्लेन ही चलने वाले हैं तो उसने अपनी एक सीरीज बना दी अलग अलग तरीके के प्लेनों की, और कुछ प्लेन तो गुडियर ने जो बनाए थे उसमें दो लोगों की सिटिंग भी थी। 1950 से 1960 के दरमियान लोगों पे इतना ज्यादा पैसा नहीं होता था कि वो किसी प्लेन को खरीदना चाहें, तो गुडियर को लगा कि इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए जो बेस्ट परचेजर हो सकता है वो हो सकता है आर्मी और मिलिट्री, दोनों एक ही बात हो गई, बट चलो आर्मी या फिर मिलिट्री कोई भी इनका परचेजर हो सकता है, क्योंकि उस समय पे लोगों पे इतना पैसा ही नहीं था, ना लोगों को इतना फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था, ना इतना शौक था कि वो इस तरीके की महंगी चीज में पैसे डालें। तो गुडियर कंपनी ये वाला आइडिया आर्मी को किस तरीके से पिच करती है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे कि आर्मी के फाइटर पायलट्स जब सीमा के दूसरी तरफ जाते हैं और उनके प्लेन को शॉर्ट कर दिया जाता है, जैसा हमारे इंडिया के केस में अभिनंदन जी के साथ में हुआ था, तो प्लेन को शॉर्ट कर दिया और जो फाइटर पायलट है वो दूसरी टेरिटरी में एनिमी टेरिटरी में जाके गिर जाता है। तो आर्मी को गुडियर ने बोला कि ये वाले प्लेन इतने कॉम्पैक्ट हैं, इतने छोटे साइज में हैं और इनको असेंबल करना भी और इनके अंदर हवा भरना भी 5 मिनट का काम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये वाले प्लेन्स को आर्मी के दूसरी साइड आर्मी टेरिटरी में ड्रॉप कर सकते हैं और पायलट इनका ये वाले प्लेन ले लेगा और इनमें हवा भरेगा और उसी के साथ में एनिमी टेरिटरी से ये वाले प्लेन को उड़ा के बाहर निकल जाएगा। और आर्मी को भी ये वाला आइडिया अच्छा खासा पसंद आता है, तो इसके बाद में आर्मी और नेवी मिलकर 10-10 प्लेन गुडियर से लेते हैं। और इसी के साथ साथ जब इन प्लेनों में हवा भरी जाती थी तो 50% हवा तो जो पायलट होगा उसे ही भरनी पड़ेगी, बाकी का 50% इंजन ऑन करके ऑटोमेटिकली प्लेन में इन्फ्लेट हो जाती थी और इस प्लेन का वजन भी केवल 90 किलो था। और इसी के साथ साथ ये वाले प्लेन के अंदर जो एयर प्रेशर रखना होता था वो केवल 7 PSI का रखना होता था, और अगर गलती से इस प्लेन में कभी छेद भी हो गया तो भी क्या होता था कि इसके इंजन से कॉन्टिन्यूसली इसके स्ट्रक्चर में हवा पंप करी जा सकती थी, तो एक आध छेद से ये वाले प्लेन के क्रैश होने की संभावना बहुत ही कम रहती थी। मगर 5 जून 1959 को एक दुखद हादसा हो जाता है जब आर्मी इसी प्लेन्स की टेस्टिंग कर रही होती है, तो आर्मी के एक फाइटर पायलट मैलकॉम वेलिस की इसी प्लेन एक्सीडेंट में दुर्घटना में मौत हो जाती है। तो इसका रीजन क्या होता है कि जो इसकी स्ट्रिंग होती है वो जाम हो गई थी और जब इस स्ट्रिंग को जाम होने पे प्लेन के कंट्रोलर को ज्यादा जोर से खींचा गया तो इन्फ्लेटेबल होने की वजह से इस प्लेन का पूरा विंग ही फोल्ड हो गया
और अगर किसी प्लेन का विंग ही फोल्ड हो जाएगा तो वो प्लेन धरती पे क्रैश होता हुआ गिर जाएगा। और फिर इसके बाद में इस प्लेन के स्ट्रक्चर को डाउट में लेते हुए आर्मी ने तो इस प्लेन को नहीं खरीदा, बट गुडियर स्टिल इसको एक दो साल और कैरी करता रहा। उसके बाद में इन्होंने नए प्लेन्स का तो प्रोडक्शन बंद कर दिया, बट प्रोग्राम इनका चलता रहा इन सर्च ऑफ के कोई तो ये प्लेनों को खरीदेगा, इसका कंज्यूमर मार्केट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और फिर गुडियर ने फाइनली 1974 में इस पूरे के पूरे इन्फ्लेटो प्लेन के पूरे प्रोग्राम को ही बंद कर दिया। तो दोस्तों इन्फ्लेटो प्लेन की कहानी तो 1974 में ही बंद हो जाती है, बट क्या आपको पता है इलेक्ट्रिकल थ्रस्टर वाले प्लेन्स बहुत जल्द मार्केट में आने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा थ्रस्टर प्लेन्स भी। तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है चाइना में, तो जो वो बिजली से थ्रस्ट पैदा कर रहे हैं ये भी एक बहुत ही अमेजिंग इनोवेशन है। अगर आपने इससे रिलेटेड हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो टेंशन मत लो, यहाँ पे आ रही है नीचे, यहाँ पे अभी क्लिक करके अभी देखो।